देश भर में गहमा गहमी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी को लेकर सियासी हाव-भाव गर्मा गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मच गया है। सुप्रिया श्रीनेत मान रही हैं कि उनके इंस्टाग्राम हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, भले ही वो कह रही हैं कि कंगना पर की गई टिप्पणी किसी और ने उनके अकाउंट से की थी। सुप्रिया श्रीनेत सच कह रही हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, उसी तरह उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया पोस्ट भी वायरल हो चुका है और चुनाव के मैदान में बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। चुनावी मौसम में कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। सुप्रिया श्रीनेत के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को देश की महिलाओं के सम्मान और मर्यादा से जोड़ दिया कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत जरूरी है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जैसे ही लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है कोई बताएगा, इसके बाद तो कंगना रनौत भड़क गई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्हें करारा जवाब दिया। कंगना ने लिखा, एक कलाकार के रूप में अपने करियर के पिछले 20 सालों में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए जोरदार पलटवार किया। कंगना ने लिखा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी युवा महिला को टिकट मिलता है तो उसके सेक्सुअलिटी पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्मानी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर विवाद बढ़ता देख कांग्रेस भी अब बैकफुट पर आ गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने सुप्रिया का बचाव किया। सॉफ्टवेयर दुनिया में कुछ भी संभव है, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी संभव है, तो जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही है वो बस को मानना चाहिए। जब उनका हैक हुआ अकाउंट तो कुछ भी ऐसा कईयों के साथ हुआ है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही कांग्रेस अपने प्रवक्ता की पोस्ट से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं, क्योंकि ये मामला बीजेपी की महिला नेता और सबसे बढ़कर एक महिला की गरिमा और सम्मान से जुड़ा है।